बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 8 है। 7 तक के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 8 है और सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात, तो इसमें भी वही होगा जो उभयनिष्ठ घात होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को लिखना है। तो देखिए यहाँ भी पावर क्या है, 2 है, और यहाँ भी पावर क्या है, 2 है, तो पावर क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा। नंबर बी है कि बहुपद एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यू प्लस 2 का घात लिखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट एक्स क्यू प्लस 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू में गुना है, तो गुना किए तो एक्स हो गया, और गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये 2 और 3 आपस में जुट के क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ा पावर कौन है, 5 है या 2 है, तो बड़ा पावर क्या है, 5 है, तो यहाँ नंबर बी में घात बराबर क्या लिखा जाएगा, 5। अब नंबर सी में है बहुपद 3 का घात बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पर कोई पावर नहीं दिया गया है, अगर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे नंबर 3 में 0, जब कोई पावर नहीं दिया गया है तो पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर नंबर डी है कि 0 बहुपद का घात क्या होगा, तो 0 बहुपद पे कोई भी घात दे दे, अगर कोई 0 बहुपद है उस पे घात 2 दे दिए, 4 दे दिए, 6 दे दिए, 8 दे दिए, 10 दे दिए, 9 दे दिए, 3 दे दिए, कोई भी घात देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको भी वो 0 ही बना देगा, क्योंकि 0 को एक बार गुना करें, 2 बार गुना करें, 5 बार गुना करें, 10 बार गुना करें, गुना क्या हो जाएगा उसका, 0 ही बन जाएगा उसका गुणनफल, तो ये नंबर डी में क्या होगा, अनिर्धारित, नंबर डी में क्या हो जाएगा, अनिर्धारित, 0 बहुपद का घात को निर्धारित किया नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें यही होगा। अब नंबर ई में है कि बहुपद 3 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी पे पावर क्यू का घात बताइए, तो इसमें भी देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ कुछ घात नहीं है तो 1 है पावर, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 1 है, ये 2 है और 3 है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे घात बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब नंबर एफ है कि शून्योत्तर अचर बहुपद का घात क्या होगा, शून्योत्तर अचर बहुपद, अचर मतलब क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान में क्या है, 0 है, कहता है उस 0 पे बहुपद का घात क्या होगा, तो क्या होगा, 0 होगा, यहाँ लिख देंगे 0। अब इस 0 पे बहुपद का घात कुछ भी लिख दिया जाए तो क्या होगा, 0 ही रहेगा ना, वो 0 ही हो जाएगा, उसको जितने बार भी गुना करेंगे तो 0 होगा, तो शून्योत्तर अचर बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें घात पूछा जा रहा था कि सबका घात बताना था, बहुपद दिया गया था उस पर निर्धारित करना था कि उसका घात क्या होगा, तो इस तरह से हमारा नंबर 8 भी बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप घात को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, आपको घात समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी क्लास को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।